हाँ चलिए शुरू करते हैं। आज है 2 फरवरी। अच्छा, बजट कब पेश किया जाता फरवरी है? हाँ, 1 फरवरी को पेश किया था। तो कल वाले पेपर में तो था ही, कल वाले पेपर में नहीं, थोड़ा बहुत आज के पेपर में बहुत है। अगर आप देखोगे फर्स्ट पेज से ही, जैसे पहले एडवर्टीजमेंट दिखता था, आज एडवर्टीजमेंट नहीं है पहले पेपर में, पहले पेज पे यही इकोनॉमिक्स के बारे में, पूरा बजट के बारे में दिया है। तो क्या करेंगे ना हम लोग, जैसे कल परसों ऐसे करके डेली करके उसमें से एक एक आर्टिकल्स को डालते जाएंगे अपने नोट्स में, ठीक ना, और उसको अच्छे से समझेंगे। तो कल से वो इकोनॉमिक्स आपका चलेगा डेली के बेसिस पे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला न्यूज, ये IR के न्यूज है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक न्यूज सुना होगा कि साउथ अफ्रीका ने क्या किया था, एक अपील फाइल की थी। कहाँ पे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, याद है साउथ अफ्रीका? यस सर। हाँ, तो साउथ अफ्रीका का जो है कनेक्शन किससे है? पैलेस्टीन से। पैलेस्टीनियन जो है उनसे इनका रिलेशन आज से नहीं, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। उसके बाद, और अभी जो लड़ाई चल रहा है किसके किसके बीच, तो इजराइल और गाजा के साथ। ये जो गाजा है, गाजा स्ट्रिप, ये गाजा स्ट्रिप समझते हैं क्या होता है? क्योंकि गाजा जो है ना, अब अगर देखोगे मैप में तो एकदम स्ट्रिप के रूप में, एकदम छोटा सा पट्टी के रूप में, इसलिए उसको बोलता है गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप है यहाँ पे पैलेस्टीनियन में, वहीं पे है एक हमास ग्रुप। हमास ग्रुप क्या है? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, तो ये बहुत बार बताया हुआ है। तो इन दोनों के साथ लड़ाई चल रही है। तो जो लड़ाई चल रही है, तो इन्होंने क्या बोला था, साउथ अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका बोला कि आप, ये जो इजराइल लड़ाई कर रहा है इससे क्या हो रहा है, जीनोसाइड हो रहा है। जीनोसाइड मतलब हिंदी होता है इसका नरसंहार, मतलब बहुत बड़े एक लेवल में निर्दोष आदमी को मार रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये होता है जीनोसाइड। तो इसी के लिए अपील दायर की थी किसने? साउथ अफ्रीका ने। तो ये मैटर कहाँ पे गया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। चलिए कहानी समझ गया। अच्छा और बता देते हैं, जब ये कोर्ट में गए तो इन्होंने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ICJ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि इसको सीज फायर करना चाहिए। किनको? इजराइल को। लेकिन इजराइल जो है इस बात को तो नहीं माना। फिर उसके बाद कहता है कि ये जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो अब इसमें जो भी डिक्लेरेशन होगा, मतलब जो भी जजमेंट आएगा, तो जजमेंट कब दिया जाता है कोर्ट में? जब दोनों तरफ से दलील चलती है, दलील पे मतलब दोनों तरफ से एविडेंस आएंगे, बहुत सारे एलिगेशंस आएंगे, अगर वो प्रूफ हुआ तो फिर उसके बाद पक्का जजमेंट आएगा। तो उस चीज के लिए क्या होता है, कई साल लग जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। यही है न्यूज में। ये तो न्यूज में हम समझ गए, और थोड़ा सा आज हम समझेंगे क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता क्या है, थोड़ा सा उनको भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहता है, इन ए हिस्टोरिक रूलिंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डर इजराइल टू टेक मेजर्स टू प्रिवेंट एक्ट्स ऑफ जिनोसाइड इन गाजा। बट देखिए क्या कह रहा है कि ICJ जो है क्या किया, उन्होंने ऑर्डर दिया इजराइल को कि गाजा में जो जिनोसाइड चल रहा है इनको रोकने के लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए, टेक मेजर्स। टेक मेजर्स मतलब उपाय किया जाए, उपाय मतलब उसको इम्पोर्टेंट स्टेप लेना चाहिए इजराइल को। बट स्टॉप शॉर्ट ऑफ कॉलिंग फॉर एन इमीडिएट सीज फायर एज रिक्वेस्टेड बाय साउथ अफ्रीका। तो क्या कर रहा है, शॉर्ट ऑफ कॉलिंग मतलब, तो ये अपील डाला गया था किनके द्वारा, साउथ साउथ अफ्रीका के अफ्रीका द्वारा, कि इमीडिएट सीज फायर किया जाए। सीज फायर मतलब युद्ध विराम होता है, सीज फायर का मतलब इमीडिएट मतलब जल्दी से। तो इस चीज को शॉर्ट ऑफ कॉलिंग किया गया, मतलब सीज नहीं फायर का माना क्या गया। मतलब है? सीज युद्ध फायर विराम, युद्ध विराम मतलब स्टॉप द फाइट। तो ओके शॉर्ट ऑफ कॉलिंग मतलब इनके बात को नहीं माना गया इजराइल के द्वारा। कहता ए फाइनल वर्डिक्ट, देखिए फाइनल वर्डिक्ट कब आएगा, द आफ्टर हियरिंग ऑन ज्यूरिस्डिक्शनल चैलेंजेस एंड मेरिट्स ऑफ क्लेम आर कंक्लूडेड। तो जो ज्यूरिस्डिक्शनल चैलेंजेस है, इसका मतलब कि उसमें जो अपील दायर की जाएगी, फिर उसके अगेंस्ट में अपील होगा, ठीक ना, कंप्लेंट होगा, दुनिया भर का चीज है। तो जब ये प्रूफ हो जाएगा तब फिर फाइनल वर्डिक्ट आएगा। अभी तो टेम्पररी दिया है, मतलब
स्टेटमेंट कि युद्ध विराम सीज फायर कर लेना चाहिए, लेकिन अभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया। तो कहता है कि इसमें विच विल लाइकली टेक सेवरल इयर्स, तो संभावना है कि इसमें क्या कई साल लग जाए। ठीक है, कहता है हाउएवर फ्राइडेज रूलिंग स्ट्रॉन्गली इंडिकेट्स दैट द जजेस बिलीव दैट देयर इज ए प्लॉजिबल जीनोसाइडल रिस्क ऑफ पैलेस्टीनियंस, देयर बाय क्लिंचिंग एन अनडिनाइनेबल विक्टोरी फॉर साउथ अफ्रीका। तो कहता है कि जो शुक्रवार को आदेश दिया गया, तो इससे यही मतलब जज को बिलीव हो रहा, मतलब लग रहा है कि पैलेस्टीनियन के साथ सही में जिनोसाइडल का रिस्क है। तो अगर इस पे फाइनल वर्डिक्ट हुआ तो ये क्या होगा, एक बहुत बड़ी निर्विवाद जीत होगा किसका, साउथ अफ्रीका। क्लिंचिंग मतलब जो बहुत बड़ा विवाद है ना, वो अनडिनाइनेबल विक्टोरी हो जाएगा बिना किसी रोक टोक के। तो ये जब होगा तब देखेंगे हम लोग न्यूज में। थोड़ा सा समझते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है। तो पहले आप ये फिगर देखिए, दिख रहा है आप लोग को, यस सर, तो इसमें अच्छी सी फिगर हाँ लगी सर, हुई है। तो हाँ अच्छा सा पिक है, इसलिए मैंने नहीं सोचा एक्स्ट्रा लगाने का। इसमें जज देखिएगा ना 15 है, ठीक जी ना, कितने जज होते हैं इसमें, 15 जजेज होते हैं। अब देखिए चलिए समझते हैं इंटरनेशनल। जी बोलिए। इसमें मतलब सारे वर्ल्ड के हर कंट्री से जज होंगे ना? वो डिपेंड, वही बता रहे हैं कौन कौन बनेगा। तो देखिए कथा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, तो इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गेन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन का क्या है, ये जुडिशियल ऑर्गेन है, मतलब कि न्यायिक व्यवस्था को ये देखती है। कथा इट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स, ये क्या करती है, लीगल जो झगड़ा होता है उनको देखती है, किसके किसके बीच, स्टेट्स एंड गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन ऑन इंटरनेशनल लीगल इशू। मतलब सीधा सीधी कि अगर कोई इंटरनेशनली मैटर तो उस पर अगर लीगल डिस्प्यूट है तो उनको देखती है ये, और उनको सेटल करती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इनका हेड ऑफिस कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में, हेग नीदरलैंड। नीदरलैंड में एक जगह हैग, वहीं पे इसका जो हेड ऑफिस है किसका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें कितने जज होते हैं, 15 जजेज होते हैं, 15 जजेज। किनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो यूनाइटेड नेशन का ही जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, इन दोनों के द्वारा 15 जजों की नियुक्ति होती है। तो इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, दुनिया भर के लोग रहते हैं, ठीक है ना। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने हैं, 5 ही मेंबर है परमानेंट, बाकी जनरल असेंबली में रहते हैं दुनिया भर के लोग। तो जनरल असेंबली में इंडिया के भी लोग रहे हैं। चलिए, ये जिन लोग को चुनेंगे ना वही बनेंगे जज। कहता इट इज द सक्सेसर ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लीग ऑफ नेशंस। तो एक है लीग ऑफ नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, 1920 में क्या किया, पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं था, पहले पहले था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटर, फिर आवाज इसको नहीं। बदल के क्या किया गया, आ रही आवाज, हाँ सर, रिपीट करना सर। मैं कह रहा हूँ कि इसका जो क्या कहते हैं पहले जो नाम था ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, पहले इसका क्या नाम था, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, PCIJ। बाद में फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, पहले ये बताओ न्यूज़ समझ में आई है, किसी को दिक्कत हो तो पूछो। हाँ सर, आप ठीक है, दूसरा एक न्यूज देखते हैं, देखिए अच्छा सा न्यूज है। कहता ए टच ऑफ सन द इम्पैक्ट ऑफ हीट इवेंट्स ऑन चिल्ड्रन, कि हीट वेव्स आप देखते देख महसूस भी किए होंगे कि धीरे धीरे क्या हो रही है, हीट वेव बढ़ते जा रही है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इसका किस पे असर पड़ेगा। एक चीज होती है हमारे बॉडी में, एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इसको क्या कहते हैं, थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ठंड के समय है, अभी ठंडा का समय है, तो आप बाहर निकलते हो तो बॉडी आपका ठंडा होता है या बॉडी हीट होने लगता है,
बोलिए। हाँ सर्दियों में सर, सर्दियों में हमारा बॉडी सर्दियों क्या में हीट होता हीट है होता। और जब गर्मी पड़ती है तब बॉडी कूलिंग होने लगता है, होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बॉडी है ना, इन्वायरमेंट के अनुसार रिस्पोंड करता है। कि बाहर में अगर गर्मी है तो हमारा बॉडी ठंडा होगा, बाहर में ठंडी है तो हमारा बॉडी गर्म होगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस, समझ गए। और ये जो है सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होता है, हर किसी में नहीं होता है। क्योंकि आदमी क्या है, सबसे ज्यादा इवोल्यूशन देखिएगा तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, इसलिए समझ गया। इस प्रोसेस का नाम होम्योस्टेसिस है। तो होम्योस्टेसिस है तो इस ये जो प्रोसेस है कहता है क्या हमेशा काम करेगा। देखिए हर चीज का क्या होता है, एक लिमिटेशंस होता है। तो होम्योस्टेसिस हमारे बॉडी में काम कर रहा है तो ये एक लिमिट तक ही काम करेगा। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा। तो जब ये काम करना बंद करेगा तो बहुत सारे बॉडी में चीजें होंगे, हार्ट फेल हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा, दुनिया भर का बीमारी हो सकता है। तो यही सब है, इसी के इर्द गिर्द ये न्यूज है। तो समझते हैं आप डिटेल्स में क्या है न्यूज में। थीम समझ में आया क्या कह यस रहा है। इसका असर जो है महिलाओं पे, छोटे छोटे बच्चों पे, जो प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनमें जो बच्चा डेवलप हो रहा है उनमें भी ये चीज का असर होता है, हीट वेव्स का। तो समझते हैं हम। कहता हीट वेव्स आर अकरिंग विथ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी एंड लास्टिंग लॉन्गर देन बिफोर। तो कह रहा है कि हीट वेव्स अब क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा है और ये जो है पहले से ज्यादा देर तक रह रहा है। मतलब कि जैसे अमूमन पहले क्या होता था, मई में गर्मी चालू हुआ, मई के लास्ट, मई के बीच में, मई जून जुलाई अगस्त यहाँ तक रहा। लेकिन अब आप देखो गर्मी ज्यादा दिन पड़ रहा है। तो जैसा कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो इन्होंने क्या किया, WMO ने ये डिक्लेयर किया है कि 2023 क्या है, हॉटेस्ट ईयर है, मतलब सबसे गर्म साल रहा है, ये पता होगा आप लोग को। और ये याद रखना, ये निश्चित पूछेगा इस बार UPSC के प्रीलिम्स में, 100% ये क्वेश्चन। कहता है कि व्हाइल ह्यूमंस हैव एडेप्टेड एंड एक्लाइमेटाइज्ड देमसेल्व्स टू सेवरल वेरिएशंस इन द क्लाइमेट, देयर इज बिलीव टू बी ए लिमिट बियॉन्ड विच आवर बॉडीज कैन नॉट प्रोसेस दिस चेंज। तो ये वही बात कर रहा है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या करता है, एडेप्ट करता है क्लाइमेट के अनुसार। लेकिन कहता है कि ऐसा बिलीव किया जा रहा है कि जब इस लिमिट को पार कर जाएगा टेम्परेचर तो हमारा बॉडी जो है ये प्रोसेस नहीं कर पाएगा। वही होम्योस्टेसिस की बात कर रहा है, ये डायरेक्ट नहीं लिखा है लेकिन इसको टेक्निकल टर्म में लिखा है। कहता द पावरफुल इफेक्ट्स दैट एक्सट्रीम टेम्परेचर कैन हैव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अर्ली चाइल्ड। अब देखिए यहाँ से फैक्ट लिखा हुआ कि एक्सट्रीम टेम्परेचर जो पड़ेगा इसके पावरफुल इफेक्ट्स किस पे पड़ेंगे, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड मतलब पेट में जो बच्चा पल रहा है। उसके बाद किस पे असर पड़ेगा, तो जो अर्ली चाइल्डहुड है मतलब जो बच्चा पेट में है उसके लर्निंग पे, स्लीप, स्लीप क्वालिटी, मेंटल, उसके बाद बिहेवियरल हेल्थ, इन सारे पे असर पड़ेगा। किनका, हीट वेव का। उसके बाद कहता है डेंजर्स ऑफ एक्सेसिव हीट फॉर ओल्डर पीपल। और ये जो गर्मी है जो बूढ़े लोग हैं उन पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, जिसके वजह से, और उन बूढ़े लोगों पे जिनके पास क्या है, हार्ट और लंग कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब उनसे रिलेटेड कोई डिजीज है, तो उनके लिए हीट वेव बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, एक्सट्रीम हीट इफेक्ट्स इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। तो जो शिशु हैं, जो बच्चे हैं गोद वाले, 2 3 6 महीने जो भी बोलते हैं, और यंग चिल्ड्रन जो किशोरावस्था, इन लोगों को भी क्या है, एक्सट्रीम हीट इफेक्ट करेगा। किससे ज्यादा, तो मोर देन मोस्ट एडल्ट्स। तो एडल्ट से ज्यादा बच्चों पे असर करेगा एक्सट्रीम हीट, क्यों, बिकॉज देखिए दिया हुआ है, देयर सिमिलर बॉडीज हीट अप मोर क्विकली एंड देयर कैपेसिटी फॉर बॉडी टेम्परेचर मॉड्यूलेशन इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट एंड देयर फॉर फार लेस एफिशिएंट। यहाँ समझिए बात को क्या लिखा है,
करा के दोनों का बॉडी, एडल्ट हो या चिल्ड्रेन हो या इन्फेंट हो, दोनों का बॉडी एक साथ हीट होगा और क्विक होगा, तेजी से हीट होता है। लेकिन अभी जो हम प्रोसेस, ये जो प्रोसेस बताया होम्योस्टेसिस, ये क्या है, अभी भी बच्चों में डेवलपमेंट की स्थिति में है, मतलब फुल्ली डेवलपमेंट नहीं हुआ, फुल्ली डेवलप एडल्ट में होगा, तो इसलिए ज्यादा असर किसको पड़ेगा, चिल्ड्रेन को और इन्फेंट को। ये बात समझ में आई कैसे असर करेगा, जल्दी बोलो, यस सर। समझे काजल, नहीं हाँ समझे। सर। ठीक, अब कहता है इसलिए बच्चों को क्या करना चाहिए, ठंड में ज्यादा कपड़े अच्छे से पहना के रखना चाहिए। अब कहता है इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन आल्सो कांट सीक आउट कूलर इन्वायरमेंट्स और गेट वाटर टू ड्रिंक विदाउट रिलाइंग ऑन इट। अब कहता है कि और बच्चों में क्या समस्या है, अब बच्चे को प्यास लगा है, मान लो कि गोद में बच्चा है, अब उसको प्यास लगा है, वो तो आपसे नहीं बोलेगा ना कि पानी चाहिए, नहीं बोलेगा, तो वो लोग डिपेंडेंट होते हैं किस पे, एडल्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो इसकी वजह से भी हीट वेव उस पे ज्यादा असर करेगा। चलिए अब आते हैं बायोलॉजिकल बात पे, मतलब प्योर बायोलॉजी जिसको कहते हैं, हाउ डज हीट इम्पैक्ट ह्यूमंस, तो हीट जो है ह्यूमंस पे कैसे इम्पैक्ट करता है, समझिए ध्यान से। कहता था ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू एक्सेसिव हीट प्राइमरीली बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड फ्लो टुवार्ड्स द स्किन। तो कहता है ह्यूमन बॉडी क्या करता है, एक्सेसिव हीट को रिस्पॉन्ड किया, बॉडी एब्जॉर्ब किया, और फिर उसके बाद क्या करता है, उस हीट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है ब्लड फ्लो में, जो हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, फिर वहां हीट भेज देगा, ठीक ना, और ब्लड फ्लो से हीट कहाँ चला जाएगा, स्किन में, ब्लड फ्लो ब्लड से स्किन में चला आया। और कहता है सो हीट कैन ट्रांसफर आउट ऑफ द बॉडी, तो जब स्किन में आएगा, तो स्किन जब टेम्परेचर हाई होगा तो वहां पे क्या होगा, इवोपोरेशन होगा, ज्यादा हीट होगा तो क्या होगा, इवोपोरेशन होने लगेगा, और ये इवोपोरेट वाष्पित होकर ये पानी स्किन से कहाँ चला जाएगा, इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में चला गया, और फिर बॉडी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए ये मान लीजिए सन है और हमारा यहाँ बॉडी, तो बॉडी में आया, इसमें क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड फ्लो क्या करेगा, इस हीट को फिर एक्सचेंज कर देगा यहाँ पे स्किन पे, तो स्किन पे कर दिया, तो स्किन पे करेगा तो बाहर का जो इन्वायरमेंट है उससे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ हीट होगा, तो क्या होगा, ये हायर टू लोअर जाने लगेगा, तो यहाँ से टेम्परेचर क्या होगा, मतलब ज्यादा बढ़ेगा तो वाटर इवोपरेट होने लगेगा पानी, मतलब पसीने के रूप में, और ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट में चला जाएगा, तो चला गया था हमारा बॉडी क्या हो गया, कूलिंग हो गया। नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई तो बताओ। आ गया सर। ठीक है, कता सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज अब देखिए क्या क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, अब नहीं आई थी सर। देखिए क्या कहता है, तो कहता है कि ब्लड फ्लो क्या है, ब्लड फ्लो कूलिंग मेथड, ये जो भी मैंने बताया ऊपर में, ये स्पेशली किसके लिए है, यंग चिल्ड्रेन के लिए, उनमें होता है ज्यादा, मतलब वहां से चालू होता है। कहता है एज लॉन्ग एज द एयर टेम्परेचर इज कूलर देन द बॉडीज टेम्परेचर, हीट डिसिपेट्स थ्रू द स्किन टू आउटसाइड द एनवायरमेंट। तो कहता है कि एयर का जो टेम्परेचर क्या हुआ, कूल हुआ, किसके, बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले, तो एयर का टेम्परेचर जब कूल होगा तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, हीट जो है स्किन से चला जाएगा बाहरी इन्वायरमेंट। कहता है व्हेन द टेम्परेचर राइजेज द ब्रेन रेगुलेट्स दिस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, तो जब टेम्परेचर क्या था, बाहर में डाउन था, फिर जब टेम्परेचर बढ़ा तो हमारा जो ब्रेन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, वो क्या करेगा, इसको फिर रेगुलेट करने लगेगा, कंट्रोलिंग करने लगेगा, मतलब कि जो पसीना क्या हो, पसीने के रूप में पसीना वाष्पित होकर क्या किया, इन्वायरमेंट में चला गया, क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर तभी क्या था, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से डाउन था। नहीं समझ पा रहे, देखिए समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए, रुक जाइए, जैसे मान लीजिए क्या, तो जैसे मान लीजिए कि ये आदमी है ना,
और ये आदमी है आपका, और ये हमारा क्या है, इन्वायरमेंट। ये जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर कब बनेगा, जब यहाँ पे बॉडी क्या होगा, ज्यादा हीट होगा। तो बॉडी जब ज्यादा हीट होगा और इन्वायरमेंट में टेम्परेचर क्या होगा, लो रहेगा, तो ये जो हाई टेम्परेचर जाएगा ना इन्वायरमेंट में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इवोपरेशन होने लगता है, मतलब पसीने के रूप में, बॉडी में पसीना आया, फिर ये पसीना क्या होगा, सूख जाता है, तो वो चला गया हमारे इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट में चल गया, अब जैसे टेम्परेचर फिर इन्वायरमेंट का क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब बॉडी के अनुसार होने लगेगा, बॉडी का जितना टेम्परेचर। तो फिर हमारे बॉडी में क्या है, ब्रेन है, वो ब्रेन जो है कंट्रोल करने लगेगा हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को। आई बात समझ में या नहीं आई, नहीं आए तो बताओ, जल्दी बोलो। आ गया सर, पर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब वही पसीना आना जो जाना, ये बॉडी ओके बॉडी कूलिंग करना, ये सब चीजें। ठीक चलो अब कहता है, सेल्स आल्सो प्रोड्यूस हीट शॉक प्रोटीन्स। अब यहाँ देखिए, समझिए, एक वर्ड है चेपरोन्स। क्या है चेपरोन्स? चेपरोन्स क्या होता है कि जब बॉडी हीट होता है तो बॉडी का जो सेल है तो वो क्या करता है, एक हीट शॉक प्रोटीन रिलीज करता है हमारे सेल्स में। ये प्रोटीन क्या करता है, और हमारे बॉडी में जितने सारे प्रोटीन है उसको डैमेज होने से बचाता है, इसको बोलते हैं चेपेरॉन्स। चेपेरॉन्स कब काम करता है, जब बॉडी सेल से हीट शॉक प्रोटीन रिलीज होता है तब। ठीक है, चलिए अब देखिए, हार्ट एंड अदर मसल्स। हार्ट और जो मसल्स है उस पर कैसे काम करता है हीट वेव। कहता है, इन रिस्पॉन्स टू एक्सेस हीट द हार्ट रेट इंक्रीजेस टू सेंड मोर ब्लड टू द स्किन। तो कहता है क्या कि हार्ट रिस्पॉन्स क्या करता है, तो हार्ट रेट जो है, हार्ट रेट मतलब जो दिल कहते हैं ना, हार्ट बीट जो धड़कता है, तो ये क्या करता है, हार्ट रेट ब्लड सप्लाई करता है हमारे पूरे बॉडी में। तो जब ये स्किन को ब्लड सप्लाई करता है तो क्या करता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, मतलब ज्यादा स्पीड से ब्लड को फ्लो करने लगता है स्किन में। ठीक है, कहता है रिलीजिंग द बॉडीज कोर हीट इनटू द एनवायरनमेंट। तो ज्यादा स्पीड में क्या किया, ब्लड फ्लो को रिलीज किया स्किन में, तो बॉडी में जो एक्स्ट्रा हीट है, जो कोर हीट है, वो क्या होगा, एनवायरनमेंट में चला जाएगा। कहता है कॉन्सिक्वेंटली, फलस्वरूप, लेस ब्लड इज सेंट टू द मसल्स। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है, तो ब्लड स्किन में ज्यादा भेज दिया, ब्लड को क्या करना है, पूरे बॉडी में भेजना है। ब्लड में, हमारे बॉडी में मसल्स है, मसल को भी क्या है, ब्लड चाहिए, क्योंकि उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उसको क्या हो रहा है कि ब्लड कम मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर ब्लड कहाँ भेज दिया, स्किन में। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा मसल्स ग्रोथ है वो रुक जाता है, जो मसल्स में फाइबर्स होते हैं वो टूटने लगता है, और इसकी वजह से क्या होता है, किडनी डिसफंक्शन होने लगता है। समझ गए। आगे देखिए, आता है डिहाइड्रेशन। ये आप लोग भी सुने होंगे, ये सबसे कॉमन सिम्टम है हीट स्ट्रोक को समझने के लिए। तो एक्चुअली में होता क्या है, इसमें समझते हैं, व्हाट डज इट एक्चुअली डू टू द बॉडी, बॉडी में क्या एक्चुअली होता है। तो नॉट हैविंग इनफ वाटर इन द सिस्टम थिकेंस द ब्लड। देखो, ब्लड जो मोटा होता है ना, ब्लड इसलिए होता है क्योंकि ब्लड में क्या है, पानी। तो जैसे हीट बढ़ेगा तो क्या होगा, पसीना ज्यादा बॉडी से निकल रहा है, तो हमारे बॉडी में क्या होगा, वाटर की कमी हो जाएगी। जब वाटर की कमी हो जाएगी तो क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग बढ़ने लगेगा, मतलब हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो क्या करने लगेगा, क्लॉट होने लगेगा, मतलब गड्ढा होने लगेगा, गाढ़ा ज्यादा होने लगेगा, जमने लगेगा। तो जिसके वजह से क्या होगा, हार्ट फेल्योर फ्रॉम ब्लॉकेज इन द आर्टरी। तो हार्ट जो हमारा आर्टरी है, आर्टरी में जो ब्लड बहता है वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए ये मान लीजिए आर्टरी है, ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, ग्रीस देखे हैं आप लोग, हाँ गाड़ी में जो सर लगाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक पाइप है और इस पाइप से आप रिलीज करो तो पास हो जाएगा, गुड। अगर हम इस पाइप में रिलीज करें तब रिलीज होगा, नहीं नहीं होगा,
दिक्कत से रिलीज होगा, होगा ना, होगा ना, इजीली नहीं पास करेगा। अरे हाँ या ना बोलिए ना। यस सर, हाँ नहीं सर, पास करूंगा। ठीक है। लेकिन इस ग्रीस में मान लो पानी मिला दे, कुछ लिक्विड मिला दे, ये गाढ़ा क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, हाँ तब ये पास कर तब जाएगा, कर जाएगा सर। तब कर जाएगा। तो सेम इसी तरह है हमारा ब्लड, तो ब्लड में जब पानी रहेगा तो क्या होगा, ब्लड ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा, ठीक ना, समझ रहे हैं, ब्लड हाँ ज्यादा सर, गाढ़ा नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, हमारे आर्टरी में, हमारा जो वेन है आर्टरी, उसमें ब्लड पास करते रहेगा। लेकिन इसमें से आप ब्लड में जो क्या है पानी, या पानी सारा निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लड जो है गाढ़ा हो जाएगा ग्रीस की तरह, तो फिर ये पास करेगा, नहीं नहीं पास करेगा। करेगा। अब समझ में आई डिहाइड्रेशन क्या होता है, नहीं यस कहता कि मेरा हाँ गला सर, सूख रहा है, ये सब चीजें जो होने लगता है हाँ डिहाइड्रेशन, सर, वीकनेस उल्टी भी होने लगता है। होती है, चक्कर आते हैं। तो क्यों, क्योंकि ब्लड ही पास नहीं करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा बॉडी में, समझ गए आप, समझ हाँ गए सर, होंगे। तभी कहते हैं गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। हाँ इस चलिए अब देखिए प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन पे क्या असर पड़ता है। तो कहता है इन प्रेग्नेंट वुमेन हाई टेम्परेचर में रिजल्ट इन रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो इन द प्लेसेंटा। अब देखिए वही चीज, अगर ये कहानी समझ गए होंगे ना तो ये भी समझ जाइएगा, बच्चा जो पलता है प्लेसेंटा में, ठीक ना, एम्ब्रियो जो होता है गर्भा, यूट्रस जो होता है, यूट्रस में ही होता है प्लेसेंटा, उसी के दीवार से बच्चा चिपका रहता है। तो कहता है कि और प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा से ही क्या होता है, बच्चे को फूड वगैरह मिलता है माँ से, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड, ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड का जो फ्लो है किसके तरफ, ब्लड का जो फ्लो है प्लेसेंटा के तरफ, वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। तो जब रिड्यूस होगा तो क्या होगा, बच्चे में डिहाइड्रेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, और इसकी वजह से क्या होता है, कैन ट्रिगर प्री टर्म बर्थ, तो बच्चा होने का जो समय होता है उससे पहले बच्चा जन्म ले लिया, और पहले अगर बच्चा जन्म ले लिया उसका मतलब अनडेवलप, बहुत सारी प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाती है, समझ गया बात को। हाँ सर, तो ये चीजें हैं, प्रीमेच्योर बोलते हैं जिसको। प्री मेच्योर बच्चा हो जाएगा तो ना ही बच्चा का ब्रेन डेवलपमेंट है, और इसमें बहुत सारे चीजें हैं, बच्चा जो है डिसफंक्शन पैदा होगा, ठीक ना, वो बहुत सारे डिजीज को लेके पैदा होगा, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो आज के न्यूज यहीं तक, जो बजट वाला न्यूज है उसको हम क्या करेंगे, डेली जब न्यूज करेंगे जो चलता है आपका, उसमें हर दिन जो है एक न्यूज को कवर करते जाएंगे, आज वाले बजट को एकदम डिटेल्स में, पेपर से ज्यादा, ठीक है, ओके सर। कल मिलिए, चलो धन्यवाद।